हे गाइस, दिस इज़ कुलदीप एंड यू वॉचिंग यूपीएससी लाइब्रेरी। सो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंडिया और चाइना के बारे में, बिकॉज चाइना जो अभी हाल ही में ब्रह्मपुत्र रिवर पर डैम बना रहा है, सो इस चीज़ की वजह से जो ब्रह्मपुत्र के आसपास जो रहने वाले लोग हैं या ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड जो भी इकोलॉजिकल जो चीज़ें हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ें उन पर इफ़ेक्ट पड़ने लगा है। वो इकोलॉजिकल सेक्शन इकोलॉजिकली थोड़ा वो डिफेक्ट उन पर इफेक्ट पड़ रहा है या बाकी और चीज़ें भी आ रही हैं, और ये इंडिया के सोवरेनिटी के ख़िलाफ़ भी है। बिकॉज जब चाइना ब्रह्मपुत्र रिवर पर डैम बनाता है तो उसको उस रिवर को कंट्रोल करना चाहता है, और उसका जो रिवर का जो सारा पानी है वो अपनी तरफ लेना चाहता है। सो इसी चीज़ की वजह से इंडिया का ये कंसर्न थोड़ा रेज होता है। सो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि वाई चाइना टू डू दिस। सो चाइना आखिर ऐसा ही चीज़ें क्यों करता रहा, कि चाइना में आखिर ऐसे क्या प्रॉब्लम है कि वो काफ़ी सारी रिवर पर वो अपना डैम क्यों क्रिएट कर रहे हैं। बिकॉज ब्रह्मपुत्र के अलावा मेकोंग रिवर भी है जो चाइना से ही मतलब निकलती है, और बाकी जो अदर कंट्रीज़ हैं साउथ ईस्ट के कंट्रीज लाइक लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, या वैसे इन कंट्रीज हो गया, वो मेकोंग रिवर जाती है। सो वो ये मेकोंग रिवर उन बाकी कंट्रीज़ के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो ये कंट्रीज़ के लिए वो इसे इम्पोर्टेंट है। सो आगे इस लेक्चर में देखेंगे, ये तो न्यूज़ आर्टिकल कटा हुआ, सो इसमें दे रखा है कि चाइनीज डैम प्रोजेक्ट ऑन ब्रह्मपुत्र आर थ्रेट टू लिव्स एंड लिवलीहुड डाउन स्ट्रीम। सो मतलब उस पर जो टिके हुए लोग हैं उनके लिए थ्रेट है, और वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए, और वहाँ पर जो इकोलॉजी है उनके लिए भी है। सो इसी के बाद इसमें इशू इस पर सिर्फ यही है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ सेवरल डैम्स अलोंग द ब्रह्मपुत्र रिवर। सो इंडिया में इसको ब्रह्मपुत्र रिवर बोलते हैं, और चाइना में उसी रिवर को यारलंग रिवर बोलते हैं। बिकॉज ब्रह्मपुत्र रिवर है वो चाइना से ही ओरिजिनेट होती है, और वो घूमते फिरते तो इंडिया में एंटर करती है, और जब ये यारलंग रिवर इंडिया में जब एंटर करती है तभी इसका नाम ब्रह्मपुत्र रिवर हो जाता है। सो और बाद में जब ये ब्रह्मपुत्र रिवर बांग्लादेश में एंटर होती है तब उसका नाम जमुना हो जाता है। सो चीज़ को याद रखना, एक फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। सो जो ब्रह्मपुत्र रिवर भी काफ़ी सारे डैम कंस्ट्रक्शन कर रहा है चाइना, उस चीज़ की वजह ऑन द चाइनीज साइड हैज बिकम ए रिपीटेड कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। सो ये काफ़ी सारे ऐसे एक्शन या वहाँ पर मूवमेंट होते रहते हैं। सो ये सारे ऐसे कंसर्न रेज होते हैं इंडिया की तरफ से, बिकॉज जब ये डैम क्रिएट करता है तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर पर जो पानी आता है तो उसका जो इको जो को हाइड्रोलॉजिकल जो डेटा है वो चाइना इंडिया के साथ वो शेयर नहीं करता कभी कभार। जैसे अभी 2018 में जब वो डोकलाम वाला स्टैंड अप चल रहा था, तो चाइना ने इंडिया के साथ वो ब्रह्मपुत्र रिवर का जो हाइड्रोलॉजी का डेटा था, जिसमें पता चलता है कि ब्रह्मपुत्र रिवर में अभी पानी कितना आ रहा है वहाँ उस तरफ से, तो वो डेटा शेयर करना वो बंद कर दिया था चाइना ने इंडिया के साथ। सो इस चीज़ की वजह से इंडिया को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, बिकॉज जब इंडिया के पास वो डेटा नहीं होगा तो वो वहाँ पर अपने यहाँ पर वो चीज़ें कैसे अपना मैनेजमेंट करेगा, कि अगर पानी ज़्यादा आने लगा अचानक से तो वहाँ पर फ्लड आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है तो वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट असम में हो गया, असम या अरुणाचल प्रदेश में, तो ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से वहाँ पर फ्लड्स आते हैं। सो इसी चीज़ की वजह से जो फ्लड्स आते हैं तो उसे हाइड्रोग्रेड डेटा नहीं शेयर करेगा, तो इसे और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और इस पिक में तो इसमें आप देखो तो ये एक दो तीन चार ये डैम बनाए गए हैं ब्रह्मपुत्र रिवर पर, और ये इन डैमों की वजह से पहले यहाँ पर तो हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट भी होंगे, प्लस इस रिवर के फ्लो को भी वो कंट्रोल करेगा। सो इस रिवर के जब फ्लो को जब कंट्रोल करेगा तो यहाँ पर चाइना अपनी मर्जी से ही वहाँ पानी रिलीज़ करेगा, और जब वो पानी जब कम रिलीज़ होगा तो यहाँ पर जितने भी लोग रहने वाले हैं तो उनके लिए काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, और प्लस जो यहाँ पर जो इन्वायरमेंटल है जो जनरेट हो रहा है मतलब है या कोई यहाँ फिश है तो उन पर भी थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। सो इस चीज़ को देखते हुए इंडिया के ये कंसर्न रेज करें, और प्लस ये जो कहीं भी जैसे कि अभी डोकलाम वाला इशू हुआ था यहाँ पर, तो डोकलाम वाले टाइम पर भी उसने चाइना ने ये डेटा बंद देना बंद कर दिया, तो ये सो ऐसे सारे कंडीशन में चाइना ऐसे सारे मूव्स क्रिएट करते रहता है। सो अगर आपने यूपीएससी लाइब्रेरी को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ यूपीएससी को सब्सक्राइब कर लेना, और आप यूपीएससी लाइब्रेरी को टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई हैं, इसको फॉलो कर लेना। ब्रह्मपुत्र रिवर जो ब्रह्मपुत्र रिवर है
चाइना में इसको यालंग सांगफो बोलते हैं, जो कि तिब्बत में से स्टार्ट ओरिजिनेट होती है और जो कि तिब्बत अब चाइना का ही पार्ट है। वहाँ पर इसको सियांग दियांग रिवर और सियांग और दियांग रिवर अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं एंड लुई तन दिलाओ इन असम। ये मतलब अलग अलग उनके ओरिजिनल लोकल नेम्स है, इन चीज़ को याद रखता है। और ये एक ट्रांसबाउंड्री रिवर है, ट्रांसबाउंड्री रिवर मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आता है या उसका जो बॉर्डर क्रिएट करते हुए चलती है, उन रिवर को ही ट्रांसबाउंड्री रिवर बोलते हैं। इस चीज़ को फैक्ट्स को याद रखना, जो कि विच फ्लोज थ्रू तिब्बत इंडिया और बांग्लादेश। जैसे मैंने कहा कि ये तिब्बत मतलब तिब्बत चाइना का पार्ट है, मतलब चाइना इंडिया और बांग्लादेश इन तीन कंट्री से होते हुए ये ब्रह्मपुत्र रिवर जाती है। सो ये ब्रह्मपुत्र रिवर तीन कंट्री से होते हुए जाती है, इस चीज़ को याद रखना। और ये नाइन्थ लार्जेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड बाय द डिस्चार्ज एंड द 15 द लॉन्गेस्ट। मतलब जो बेसिन के बेसिस मतलब डिस्चार्ज के बेसिस पर देखा जाए तो ये नाइन्थ लार्जेस्ट रिवर है, और वैसे अगर इसकी लेंथ में देखा जाए तो 15 लॉन्गेस्ट रिवर है। सो इस चीज़ को याद रखना। देन इसके बाद इस ब्रिज पर कुछ इंपॉर्टेंट ब्रिजेज मतलब इस रिवर पर कुछ इंपॉर्टेंट ब्रिजेज भी बने हैं, जिनमें से ये दो काफ़ी फेमस हैं, जो आपने नाम भी सुने होंगे। पहला है धौला सदिया ब्रिज और दूसरा बोगी व्हील ब्रिज। सो ये इन दोनों की ब्रिज की पिक्चर है, इन चीज़ को याद रखना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक्चर ब्रिज हैं, ये काफ़ी लास्ट से लास्ट ईयर मतलब एक से दो साल के करीब ही इन दोनों ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। सो इन चीज़ को याद रखना। देन इसके बाद इसमें दे रखा है कि एज एन इंडिया एंड चाइना कंटिन्यू टू ग्रो डेमोग्राफिकली एज वेल एज इकोनॉमिकली। जैसे कि इंडिया और चाइना दोनों ही एक साथ डेमोग्राफिकली और इकोनॉमिकली इंक्रीज हो रहे हैं, और उनकी जो कंजप्शन की जो पावर है, ये कंजप्शन का जो परसेंट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। सो इसी चीज़ की वजह से जहाँ पर जब वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, दोनों के दोनों दोनों कंट्री के लोग वाटर क्राइसिस फेस कर रहे हैं, जो वाटर कंस्ट्रेंट आ रहा है दोनों कंट्री के लोग फेस कर रहे हैं, दोनों नेशंस के पीपल वो चीज़ें सेम पीपल सेम प्रॉब्लम को फेस कर एंड इन ए रेस टू डेवलप ए न्यू प्रोजेक्ट इन ऑर्डर टू ओवरकम दैम। और इसी चीज़ को देखते हुए चाइना और इंडिया दोनों ही ऐसे काफ़ी सारे डैम या कुछ ऐसे चाहें कि इन प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया। सो इसी चीज़ को देख एंड दिस वाटर प्रॉब्लम इज सो इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये जो प्रॉब्लम है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड देखी जा रही है, मतलब ये सिर्फ एशिया में ही नहीं है, पहली चीज़ ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में देखी जा रही है कि वाटर की जो प्रॉब्लम है, जो पीने का जो पानी फ्रेश वाटर जो है, जो फ्रेश वाटर की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में ही ये आ रही प्रॉब्लम आ रही है। सो इस चीज़ को आप याद रखना, ना कि ये सिर्फ एशिया में नहीं है, सिर्फ चाइना और इंडिया से इंडिया तक ही सीमित नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में ही है। सो इसके बाद ये ऐसे ही प्रोजेक्ट इसने चाइना ने मैकोंग रिवर पर ही कर रहा है, जो मैकोंग रिवर है जो और चाइना से ही ओरिजिनेट होती है, बाद में ये लाओस वियतनाम इन कंट्रीज में होते हुए जाती है। सो चाइना इज कंट्रोल ऑफ द मैकोंग, मतलब चाइना जो ऐसे ही करके मैकोंग रिवर पर अपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट मतलब डैम प्रोजेक्ट जो डैम क्रिएट करने चाहें ताकि उस रिवर का वो फ्लो कंट्रोल कर सके और उन पर उस रिवर का जो वाटर है उसको अपने लिए यूज़ कर सके। सो इसी इसमें ये इसका कटआउट है, सो इसमें न्यूज़पेपर का, तो इसमें लिखा है कि चाइनाज कंट्रोल मेकोंग वेदर थ्रू इट्स ओन डैम्स और द फाइनेंसिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम इन अदर्स कंट्री, चाइना इज द लार्जेस्ट इन द ड्राइवर सीट व्हेन इट्स कम टू द मेकोंग। सो इसमें ये बताया गया है। देन इसके बाद ये थोड़े पिक हैं, उसमें पता चलेगा कि मेकोंग रिवर के बारे में। सो पहली पिक में ये जो यहाँ हिस्सा दिया जा रहा है ये चाइना के अंदर आता है और ये मेकोंग रिवर जा रही है, और चाइना में मेकोंग रिवर को लानसेंग रिवर बोलते हैं, इस चीज़ को याद रखना। मेकोंग रिवर बाकी अदर कंट्रीज़ में और लानसेंग रिवर मेकोंग रिवर का ही दूसरा नाम है जिसको चाइना बोलते। सो चाइना ने यहाँ पर जो स्टार्टिंग में काफ़ी सारे डैम क्रिएट करे हैं। सो इस डैम ये तो हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट है, प्लस इन डैमों की वजह से जो मेकोंग रिवर का जो पानी है, जो वाटर है, उस पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहता है चाइना। बिकॉज जो चाइना का साउदर्न वाला पार्ट है वो काफ़ी रिच है इन वाटर में और बाकी चीज़ों में, वो ये वाटर साउदर्न से लेके वो नॉर्थ की तरफ पहुंचाना चाहता है। बिकॉज इन्हीं प्रोजेक्ट की वजह से, वो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट की वजह से ये सारा पानी नॉर्थ की तरफ पहुंचाना चाहता है। इसी चीज़ की वजह से इन दो तीन रिवर पर, जैसे कि ये मेकोंग रिवर हो गई या सालवन रिवर हो गई या ब्रह्मपुत्र रिवर हो गई, इन तीनों रिवर पर ऐसे काफ़ी सारे रिवर हैं, उन पर काफ़ी सारे डैम्स क्रिएट कर रखे हैं ताकि वो इन रिवर्स का पानी अपने तरीके से यूटिलाइज कर सके, और तब जो ये अपने तरीके से यूटिलाइज करेगा तभी इन चीज़ों को देगा। और इन्हीं चीज़ की वजह से बाकी अदर कंट्रीज को सिर्फ मतलब उनको प्रॉब्लम खुल रही, लाइक वियतनाम हो गया, लाओस हो गया और कंबोडिया हो गया, इन सब, बिकॉज ये जो मेकोंग रिवर है ये इन्हीं कंट्री की तरफ से होके जाती है, और इन्हीं कंट्री के जो मेकोंग रिवर के पास जो रहने वाले लोग हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होनी पड़ती हैं।
और दूसरी पिक्स में भी देखा ये जो डॉट दे रखे हैं ये सब डैम्स के बारे में बताएगा। सो ये डैम तो चाइना के अंदर, बाकी जो देखो कितने की, ये सालवन रिवर है जिसको नू रिवर भी बोलते हैं चाइना में, नू रिवर चाइना में, और सालवन रिवर म्यांमार में। तो यहाँ पर देख कितनी कम कम जगह पर ही इतने सारे डैम्स किए गए हैं। ये इसी चीज़ को देखते हुए चाइना को कभी कभी डैम कंट्री भी बोला जाता है, बिकॉज चाइना में बहुत ज़्यादा, जितने डैम पूरे वर्ल्ड में नहीं उसका मतलब उसका आधे से ज़्यादा डैम तो चाइना में ही है। सो मेकोंग रिवर के बारे में पता देखते हैं। सो मेकोंग रिवर विच बिगिन चाइना एज द लानसेंग, मतलब लानसेंग के नाम से वो स्टार्ट होती है, ओरिजिनेट होती है, देन फ्लो थ्रू है लाओस, मतलब लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम, सपोर्टिंग, मतलब ये इन कंट्रीज होते हुए जाती है, और 60 मिलियन लोगों को इससे हेल्प, मतलब इसको इन पर डिपेंड है, 60 मिलियन लोग इस मेकोंग रिवर पर डिपेंड है। इस चीज़ को याद रखना, 60 मिलियन। सो वाटर लेवल इन द लोअर मेकोंग वर रिकॉर्डेड एट लेवल्स अनसीन इन 15 ईयर्स एंड हैव सब्सटेंशियली इम्पैक्टेड फिशिंग एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटी। सो इस मेकोंग रिवर पर फिशिंग और एग्रीकल्चर एक्टिविटी है जो बाद में जाके जो कि 20% ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश वाटर फिश कैच करती है। सो वर्ल्ड के जो 20% है वो यहाँ से इस एरिया से आता है, इस मेकोंग रिवर के जो बेसिन है उस एरिया से आता है। सो अगर चाइना इस मेकोंग रिवर को कंट्रोल करेगी तो जो 20% वाला जो सेक्टर है जो फ्रेश वाटर फिश का है वो इम्पैक्ट होगा। सो ऑल्सो वियतनाम वेयर द मेकोंग फ्लोज इन टू द सी हैज़ बीन पर्टिकुलरली इम्पैक्टेड, और जो कि मेकोंग का जो वियतनाम से होते हुए सीमा आते हैं वो भी इम्पैक्ट होगी। देन इसके बाद जो मेकोंग इनेबल्स वियतनाम टू बी वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर एंड थर्ड लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर है, जो कि वियतनाम है वो मेकोंग रिवर की वजह से ही वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर है और थर्ड लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर है, वो किसकी वजह से, मेकोंग रिवर की वजह से। सो अगर मेकोंग रिवर इतनी इम्पैक्ट होगी तो वियतनाम इस चीज़ों पर नहीं ढंग से वर्क कर पाएगा, और ऑल्सो वियतनाम अकाउंट फॉर एस्टिमेटेड 42% ऑफ द मेकोंग इरीगेशन इक्विपड लैंड। सो वियतनाम में जितने भी इरीगेशन है उसका 42% वो किस पर डिपेंड होता है, मेकोंग के इरीगेशन इक्विपड लैंड की वजह से। सो अगर सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट किस पर आएगा, वियतनाम पर आएगा अगर चाइना मेकोंग पर कंट्रोल अपना कर लेती है या अपने सारे डैम क्रिएट कर लेती है, जो कि काफ़ी सारे डैम तो उसने ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। सो इसके बाद इसमें देखते हैं कि आखिर चाइना ये सब चीज़ें क्यों करता है, आखिर चाइना को करने की इतनी ज़रूरत क्या है। सो चाइना जो कि होम टू क्लोजर 20% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, मतलब चाइना में पॉपुलेशन अभी कितना है, 140 करोड़ लोग चाइना में रहते हैं। सो जो कि 20% है पूरे वर्ल्ड का, और ओनली 7% ऑफ द वाटर रिसोर्सेज, सो कि जो कि मतलब पूरे वर्ल्ड का 20% जो लोग हैं उनके पास सिर्फ 7% फ्रेश वाटर है पूरे वर्ल्ड का, जो कि काफ़ी कम है। सो इसी वजह से सेव, और ये सब चीज़ें किस वजह से, सेव ये पॉल्यूशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर कॉज बाय रैपिड इंडस्ट्री, और ये सब चीज़ें किस वजह से, वहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा है और जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोर्स ऑफ कंसर्न फॉर चाइनीज प्लानर्स, इसी चीज़ को देखते हुए, मतलब वहाँ पर बहुत तेज़ी से जो शहरीकरण हुआ या अर्बनाइजेशन हुआ, इसी चीज़ को देखो वहाँ पर पीने के पानी की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आ गई है। देन इसके बाद चाइना का जो सदर्न रीजन है आर वाटर रीजन, जैसे कि बताया सदर्न रीजन में काफ़ी सारे रिवर हैं, सालवन रिवर जो कि जिसको नू रिवर बोलते हैं, मेकोंग रिवर हो गया, देन ब्रह्मपुत्र रिवर हो गया, तो वो एक वाटर रिच रीजन है उस चाइना का, साउथ रीजन है। इन कंपेरिजन किया जाए किसके बाद, नदन पार्ट के बारे में, सो द सदर्न रीजन इज़ अ मेजर फूड प्रोड्यूसर एंड हैज सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री कैपेसिटी एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ मोर पीपल लिविंग देयर। सो इसी चीज़ की वजह से वहाँ पर काफ़ी सारा स्कोप है, इसी चीज़ की वजह से वहाँ के जो रिवर हैं उनका जो वाटर है साउथ से लेके वो नॉर्थ में ट्रांसफर करना चाहते हैं, इसी वजह से वो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सो इसी के अलावा चाइना हैज़ एम्बिशियस प्लान टू लिंक साउथ एंड नॉर्थ थ्रू कैनाल। सो ये जो पानी जो साउथ से लेकर नॉर्थ तक जाएगा वो किसके थ्रू जाएगा, वो कैनाल के थ्रू जाएगा, थ्रू द कैनाल एंड एक्विडक्स एंड लिंकिंग ऑफ द मेजर रिवर टू द एंश्योर वाटर सिक्योरिटी, और इसकी वजह से जो वाटर सिक्योरिटी है वहाँ इंश्योर करेगा नॉर्थ रीजन में। देन इन परस्यूट ऑफ दीज गोल्स चाइना बींग इन अपर रिपेरियन स्टेट इन एशिया हैज़ बीन ब्लॉकिंग रिवर्स लाइक अ मेकोंग एंड ट्रिब्यूटरी अफेक्टिंग साउथ ईस्ट एशियन लाइक, मतलब इसमें बोला गया है कि जगह अगर चाइना अगर ऐसा करेगा तो उन चीज़ों की इसके एक्शन की वजह से
जो बाकी जो साउथ एशियन है उनको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, लाइक जो कौन वो कंट्री और से कौन से हैं, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया। सो इसमें भी बोला गया अगर वो चाइना ऐसे रिवर को ब्लॉक करेगा इन सभी कंट्रीज़ को काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगा। ऑल्सो इट हैज़ कॉज इमेंस डैमेज टू द एनवायरमेंट एंड अल्टर्ड रिवर फ्लोज इन द रीजन। सो उसके अलावा जो एनवायरमेंट को जो प्रॉब्लम होगी वो तो अलग होगी, और जब रिवर फ्लो को जब अल्टर करेगा उसकी वजह से जो इकोलॉजी है वहाँ की वो डिस्टर्ब हो जाएगी पूरी, और जो आगे फेस है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम चेंज हो जाएगा अगर चाइना अगर ऐसा करेगा। देन इसके बाद इंडिया का एक पर्सपेक्टिव देख ले, जब चाइना के देख ले इंडिया का भी पर्सपेक्टिव, जो इंडिया में भी वाटर स्कैर्सिटी है। सो इंडिया से जो कि चाइना जो कि 20% था, इंडिया 17% है और द वर्ल्ड पॉपुलेशन के हैं और 4% वाटर। तो चाइना 20% था पॉपुलेशन में बट वाटर में 7% था। सो ये सेम है, सेम ने सो इसी में देखे इंडिया 17% है और वाटर में 4% है, तो इंडिया के पास वाटर काफ़ी कम है इन कंपेरिजन चाइना। ऑल्सो इट इज़ सेवियरली वाटर स्ट्रेस एंड इन समर, मतलब समर में गर्मियों में तो काफ़ी ज़्यादा वाटर सेवियरली वाटर स्ट्रेस हो जाता है। ऑन ए वास्ट मेजोरिटी ऑफ अर्बन एरिया फेस वाटर शॉर्टेज। सो जो अर्बन एरिया है गर्मियों में तो काफ़ी बुरी तरीके से मतलब वाटर शॉर्टेज फेस करते हैं। सो इसी चीज़ को देखते हुए ये करते हैं सर। इसके अलावा ए मेजोरिटी ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन रिसाइड इन द गंगेटिक प्लेन्स, और जो इंडिया में जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो कहाँ पर रहती है, गंगेटिक प्लेन्स के आसपास, बिकॉज वो लोग इंजॉय वाटर थ्रू आउट द ओवर, बिकॉज जो गंगेटिक प्लेन के जो रिवर हैं वो उनको कुछ पानी मिलता है हिमालय से मिलता है, जो कि पूरे साल उनके पास पानी आता है, बिकॉज वो पानी जो ग्लेशियर की तरफ से आता था जो, और वो ग्लेशियर 2400 मतलब वो हर साल पूरे मतलब हर साल नहीं मतलब पूरे साल वो उनको पानी प्रोवाइड होता रहता है, वो सीजनल रिवर के थ्रू नहीं। इसी वजह से गंगेटिक प्लेन के पास जो रहने वाले लोग हैं वो वाटर इन्जॉय करते हैं थ्रू आउट द ईयर, बट जो सदर्न मतलब जो साउथ में रहने वाले लोग हैं, जो सदर्न हो गया या वेस्टर्न रीजन में हो गया, वो ऐसी चीज़ें फेस नहीं करते, पर उनको कुछ काफ़ी सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एक्सपीरियंस हार्श एंड ड्राई समर, सो उनको हार्श और ड्राई समर फेस करना करते हैं। एंड द रेनफॉल इज स्केयर एंड इरेटिक इन द ईस्टर्न कोस्ट, और जो ईस्टर्न कोस्ट है बाकी रेनफॉल काफ़ी कम होती है, इसी की वजह से उनको वाटर की स्कर्सिटी काफ़ी सारी फेस करनी पड़ती है, बिकॉज जो साउथ की जो रिवर है ना, मतलब जो साउथ की जो रिवर है वो एकदम सीजनल रिवर है, वो मतलब रेनी रिवर है। अगर बारिश अगर रेन अच्छी ज़्यादा हुई तो उन रिवर पर पानी काफ़ी ज़्यादा होता है, अगर रेन कम हुई तो वो रेन उन रिवर पर रिवर में पानी काफ़ी कम रहता है, तो वो डिपेंड करती हैं वो रिवर रेन पर ही डिपेंड करती हैं। और नॉर्थ की जो रिवर है वो डिपेंड करती हैं हिमालय पर, ग्लेशियर पर, इसी चीज़ की वजह से नॉर्थ के जो गंगेटिक प्लेन में रहने वाले लोग पानी काफ़ी ज़्यादा मतलब वो ऐसी कंडीशन फेस नहीं करते जो लोग साउथ वाले करते हैं। देन इसी चीज़ को देखते हुए इंडिया में भी ऐसे प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि NMBS प्रोजेक्ट, नॉर्थ साउथ रिवर लिंक के प्रोजेक्ट को सोचने मतलब इंडिया ने सोचा है ऐसे काफ़ी प्रोजेक्ट चलाने का कि नॉर्थ साउथ में जो रिवर है उनको लिंक किया जाए, ऐसा इंडिया ने प्रपोज किया। बट इंडिया में ऐसा नहीं है चाइना की तरह। हाउ ओवर इट हैज़ कम अंडर द क्रिटिसिज्म फॉर द पोटेंशियली डिस्टर्बिंग फ्रेजाइल इकोसिस्टम, जो कि चाइना में है कि अगर इसने एक बार सोच लिया तो वो चीज़ करके देखा था, चाहे इकोसिस्टम पूरा ख़राब हो जाए, मतलब इकोसिस्टम चाहे पूरा ख़राब हो जाए, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि अगर कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा इकोसिस्टम पर। सो जो रिवर लिंक का जो प्रोजेक्ट है उससे इकोसिस्टम काफ़ी ख़राब हो रहा था। सो इसी चीज़ की वजह से उसमें काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, तो इसी चीज़ की वजह से वो प्रोजेक्ट आगे एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। देन इसके बाद बट इंडिया में ऐसा भी नहीं है कि पूरे इंडिया में कहीं नहीं हुआ, बट ऐसा प्रोजेक्ट है जो तेलंगाना में हुआ, वो एक लोकल लेवल का मतलब स्टेट लेवल का प्रोजेक्ट था, इसी चीज़ की वजह से वहाँ इतनी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली, मतलब इसमें इस प्रोजेक्ट में काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिली, बट ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और काफ़ी हद तक ये सक्सेस भी हुआ, जिसका नाम है कलेश्वरम रिवर लिंक लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट है। इसमें दो रिवर को कनेक्ट किया गया और उनका जो पानी है लिफ्ट के मतलब उनको पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले गए, इसी चीज़ को वजह से इसका नाम कलेश्वर लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट था, बिकॉज और ये प्रोजेक्ट इसको बोला गया द मेकिंग ऑफ द इंजीनियरिंग मार्वल, बिकॉज ये ऐसा प्रोजेक्ट था वर्ल्ड का काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था। सो आज इसमें लिखा है कि द लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट टू हार्नेस द फ्लड वाटर ऑफ द गोदावरी, जो गोदावरी का जो फ्लड वाटर है, इज एम टू मेकिंग ए तेलंगाना ड्रॉट प्रूफ, जो तेलंगाना को जो ड्रॉट प्रूफ करने की सोचा है इस प्रोजेक्ट के थ्रू। सो
इसके बाद अगर ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चलाए गए तो चाइना में ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चले तो उनका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या आएगा। सो इसके बाद जब होता है तो अगर ऐसे प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं तो मैसिव अमाउंट ऑफ सिल्ट कैरिड आउट बाय द रिवर। सो जब डैम क्रिएट किया जाता है तो सिल्ट काफ़ी सारी आ जाती हैं एंड वुड बी ब्लॉक बाय डैम्स, जो कि डैम्स ब्लॉक कर देना एंड टू फॉल इन टू द क्वालिटी ऑफ सॉइल। इसकी इसी चीज़ की वजह से जो सॉइल की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होने लगती है, वो डिक्रीज होने लगते हैं एंड इवेंचुअली रिडक्शन इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। और चीज़ की वजह से जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है वो रिडक्शन में इनमें कमी आने लगती है। ये तो पहला होगा। देन इसके बाद जो इसमें जो ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन था इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है एंड इज आइडेंटिफाई एज वन ऑफ द वर्ल्ड 34 बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट। ये ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में बोला है। और ब्रह्मपुत्र में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है इज हाउस 35 मेमेलियन स्पीसीज एंड आउट ऑफ विच 15 आर लिस्टेड इज थ्रेटेंड इन IUCN लिस्ट। ये बताया गया है ये इसलिए बताया गया कि ब्रह्मपुत्र बेसिन में आके इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो अगर वहाँ पर अगर ब्रह्मपुत्र में कोई भी इम्पैक्ट आने तो इन सब चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़े काफ़ी ज़्यादा, पूरा इकोलॉजी सिस्टम चेंज हो जाएगा, वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज होने लगेगा। देन इसके बाद जो लोकेशन होती है जो डैम्स की ऑल्सो पोजेस रिस्क एज ए हिमालय आर वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल टू अर्थक्वेक एंड सिस्मिक एक्टिविटीज। सो जो डैम की जो पोजीशन है वो हिमालयस के आसपास है। सो जब ये डैम क्रिएट होगी तो काफ़ी वल्नरेबल पोजीशन हो जाएंगी बिकॉज इसकी वजह से अर्थक्वेक आने लगते हैं, जो सिस्मिक एक्टिविटी है वो अनस्टेबल होने लगती है। ऑल्सो इसके बाद जो लैंडस्लाइड की भी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है और इसके बाद जो लैंडस्लाइड रिजल्टिंग फ्रॉम अर्थक्वेक पोजेस सिग्निफिकेंट थ्रेट। ये काफ़ी सारे प्रॉब्लम है और इसके अलावा और भी काफ़ी प्रॉब्लम है लाइक रिवर का पानी बिल्कुल पॉल्यूशन हो जाता है, फिश सेक्टर पूरा डिस्टर्ब होने लगता है, ऐसी तरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देन इसके बाद ये कुछ स्ट्रेटजिकली प्रॉब्लम भी स्टार्ट होने लगी लाइक जो 2018 में जो डोकलाम बॉर्डर स्टैंड ऑफ हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, बिटवीन इंडिया एंड चाइना स्टॉप कम्युनिकेशन ऑफ वाटर फ्लो लेवल्स ऑफ फ्रॉम इट्स डैम। तो चाइना ने जब डोकलाम वाला इशू हुआ था चाइना ने ब्रह्मपुत्र रिवर का जो हाइड्रोलॉजिकल जो डेटा था या जो कम्युनिकेशन था वाटर वाला वो पूरा स्टॉप कर दिया। तो इस चीज़ की वजह से इंडिया को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी सो ऑल्सो इट्स इफेक्टिव रेंडरिंग द इंडिया ब्लाइंड टू फ्लड्स ड्यू द स्टैंड ऑफ। सो इसी की वजह से जो फ्लड्स आने पड़े तो इसमें इंडिया बिना कुछ मैनेजमेंट के उनको कंट्रोल करना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। इसी चीज़ की वजह से इंडिया के कंसर्न जो है काफ़ी सारे रेज होने लगते हैं ऐसा सारे डैम्स क्रिएट होने की वजह से। इसके अलावा एक बुक है वाटर एशियाज न्यू वाटर, मतलब इसमें एक बुक है ब्रह्मा चेलनी की एशियाज न्यू बैटल ग्राउंड जो कि वाटर बनेगा। उसमें कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं चाइना के बारे में। उसमें बोल रखा है कि बिफोर द कम्युनिस्ट केम टू द पावर इन 1949, मतलब चाइना में पावर चाइना का जब एंटर हुआ था मतलब फ्रीडम मिली थी तो 1949 के करीबन, तो चाइना में टोटल सिर्फ 22 डैम्स थे जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट साइज के, बट नाउ चाइना हैज़ मोर देन हाफ ऑफ द मोस्ट 50,000 डैम इन द वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड में जितने 50,000 ना उसके आधे से ज़्यादा डैम तो सिर्फ चाइना में ही है और डेटा क्लासिफाइड एज ए लार्ज बिकॉज दे हैव हाइट ऑफ एटलीस्ट 15 मीटर और जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा मोर देन 3 मिलियन क्यूबिक मीटर। ये चीज़ में बताई और इसमें ये बताई गई है कि इफ़ डैम्स ऑफ द ऑल साइज आर काउंटेड द नंबर इन चाइना। इसमें बोला है कि चाइना में अगर सारे डैम्स को काउंटेड किया गया तो वहाँ पे उसकी संख्या कितनी आएगी 85,000। चाइना इतने सारे डैम हैं। इस चीज़ को आप याद रखना, ये फैक्ट्स हैं, ये इस बुक में लिखे हुए हैं। इसी चीज़ की वजह से चाइना को क्या बोला जाता है, डैम्ड कंट्री, बिकॉज चाइना में काफ़ी सारी ये डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, वो पूरे ये डैम की पोजीशन शो कर रही है। ये बुक है ब्रह्मचर्य ने लिखी थी एशिया वाटर द बैड न्यू बैटल ग्राउंड। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपने UPSC लाइब्रेरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द UPSC लाइब्रेरी एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर अपडेट्स। धन्यवाद।